नमस्ते और लर्निंग हब में आपका स्वागत है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा और भारत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गाजा की स्थिति वही है जो भारत में मुसलमानों की स्थिति है। यह उनका सटीक बयान है, यह उनका ट्वीट है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हम इसके भू राजनीतिक प्रभावों को समझेंगे। अब यहाँ आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का यह ट्वीट देख सकते हैं। भारत में कई लोग उन्हें एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी देखते हैं, खासकर क्योंकि वह शिया इस्लाम संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह कह रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमें हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। वह इस्लामिक उम्माह के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, जबकि आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे बयान को भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ईरान और रूस के बीच एक गुप्त परमाणु सौदे की संभावना हो सकती है, और अगर ईरान भविष्य में एक भूमिगत परमाणु परीक्षण के साथ दुनिया को चौंकाता है तो हैरान मत होना। वह कह रहे हैं कि वर्तमान में इस्लामिक देशों के बीच एकता की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों को खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए अगर हम उदासीन हैं। मुझे परवाह नहीं कि क्या हो रहा है। तो वह कह रहे हैं कि हम उदासीन नहीं हो सकते और हमें उस पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एक मुसलमान सहन कर रहा है। अब जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं वे चौंकाने वाले हैं, और भारत को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि भारत को ऐसे संदर्भों में उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए। वह म्यांमार में मुसलमानों के साथ हो रही स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं, जहां रोहिंग्या मुद्दा चल रहा है। वहां एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा में 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, यह एक बड़ी समस्या है। अब भारत का उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों है? म्यांमार और गाजा की स्थिति की तुलना करते समय भारत को इन संदर्भों में उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भारत की स्थिति गाजा या म्यांमार की तरह नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर 2020 में ऐसे टिप्पणियां किया करते थे। 2020 का यह ट्वीट चौंकाने वाला है। वह खुलकर कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान खतरे में हैं और भारत में मुस्लिम पीड़ा हो रही है। ये टिप्पणियां 2020 में ईरान के सुप्रीम लीडर द्वारा की गई थीं। बाद में जैसा कि आप सभी को याद होगा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, जो दुर्भाग्यवश एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत हो गए, सत्ता में आए। मैंने अपनी कई वीडियो में उल्लेख किया है कि रायसी का एक महत्वपूर्ण भूमिका था यह सुनिश्चित करने में कि ईरान के पास भारत के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी। ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसे ट्वीट किया करते थे, लेकिन इब्राहिम रायसी के समय में यह बंद हो गया था। आप याद कर सकते हैं कि जब इब्राहिम रायसी पाकिस्तान आए थे तो शाहबाज शरीफ ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद कश्मीर का उल्लेख नहीं किया। मैं कहूंगा कि भारत को इब्राहिम रायसी की कमी खल रही है। अगर वह आज सत्ता में होते तो वह निश्चित रूप से अपने प्रभाव का उपयोग करके कह सकते थे कि यदि आप मुद्दे उठाना चाहते हैं तो अन्य देशों के पास मुसलमानों के साथ बड़े मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए चीन में कई मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है और मुस्लिम जनसंख्या घट रही है। इसी तरह लेबनान की अपनी समस्याएं हैं। तो भारत का उल्लेख क्यों? जब ईरान भारत में पर्यटन को बढ़ावा देता है, हाँ आप चौंकेंगे, हाल ही में ईरान ने 3 प्रमुख भारतीय शहरों मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली में एक पर्यटन रोड शो आयोजित किया। आप इस इवेंट की तस्वीरें और आर्टिकल देख सकते हैं।
भारत में ईरानी एम्बेसडर ने भारतीय पर्यटकों को ईरान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, यह कहते हुए कि ईरान सुरक्षित है। ईरान पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन साथ ही उसके सुप्रीम लीडर ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि बांग्लादेश जैसे देशों में भारत के खिलाफ प्रचार कैसे फैलता है। पाकिस्तान जो कर रहा है वह अपनी बात है, लेकिन ऐसे टिप्पणियां भारत की प्रतिष्ठा को मुस्लिम बहुल देशों में भी नुकसान पहुंचाती हैं। अब हमें ईरान के सुप्रीम लीडर की बड़ी योजना को समझना चाहिए। देखिए, वह लगातार इस्लामिक उम्माह और इस्लामिक एकता के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। इस्लामिक उम्माह की पहचान को संरक्षित करना आवश्यक है। ईरान यह कह रहा है क्योंकि जब वे परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों से संबंधित महत्वपूर्ण विकास करते हैं, तो ईरान को उम्मीद है कि मुस्लिम उम्माह, जिसमें सभी इस्लामिक देश शामिल हैं, ईरान का समर्थन करेंगे। उस समय यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन से इस्लामिक देश ईरान की निंदा करते हैं और प्रतिबंध लगाते हैं, और कौन से ईरान का समर्थन करते हैं। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लगातार वे कह रहे हैं कि चाहे शिया हो या सुन्नी, एकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत को यह स्पष्ट रूप से ईरान के साथ संबोधित करना चाहिए। एक ओर आप हमारे साथ पर्यटन के संबंध में समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं, और यह आज ही हुआ। ईरानी पर्यटन एजेंसियों ने भारत के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जो ईरानी पर्यटकों को भारत का दौरा करने की अनुमति देता है और भारतीय पर्यटकों को ईरान का दौरा करने की अनुमति देता है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि भारत एक सुरक्षित देश है। अन्यथा जब आपका सुप्रीम लीडर ऐसे बयान कर रहा है, तो आप एक तथाकथित खतरनाक देश में पर्यटकों को क्यों भेजेंगे? इसी तरह जब ईरान ब्रिक्स या किसी अन्य समूह में सदस्यता की मांग करता है, तो उन्हें भारत की मदद की आवश्यकता होती है और भारत की सहायता के लिए आभारी होते हैं। ऐसे बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को जटिल बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि एस जयशंकर इस मुद्दे को उठाएंगे और सवाल करेंगे कि भारत की तुलना गाजा से क्यों की जा रही है। ऐसी टिप्पणियों के लिए कुछ तर्क, संख्या या स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। यह विषय स्पष्ट रूप से समाचारों में रहेगा और भारत की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। मैं भारत की प्रतिक्रिया के बाद आपको एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें बताएं और अंत तक आनंद लें, साथ ही हमारे अगले हाइलाइटेड वीडियो को भी देखें। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।